हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे जेड सेक्शन का गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र ज्ञात करना। तो देखिएगा, एक जेड सेक्शन गिवन है, जिसकी जो डायमेंशनिंग है 20 + 1 आल्सो 20 + 1 आल्सो 20 mm। उसके बाद ये डायमेंशन गिवन है 100 mm, एंड दिस वन 80 mm। तो एक जेड सेक्शन है जिसकी जो डायमेंशनिंग है 100 mm, 20 mm, दिस वन 80 mm एंड 20 mm, और ये वाली जो बैब है 20 mm एंड 100 mm। उसके बाद हमें करना क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले, मैंने पुरानी वीडियोस में भी आई सेक्शन, टी सेक्शन और एल सेक्शन की वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम जो भी सेक्शन है उसके सबसे निचले सिरे से हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, इस सेक्शन का सबसे निचला सिरा दिस वन, ये एक्स एक्सिस इससे हमने ड्रॉ कर दी। सिमिलर जो भी सेक्शन का सबसे बायां सिरा होता है उससे हम बाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो इसका सबसे बायां सिरा देखिएगा ये वाला, इससे हम क्या ड्रॉ करेंगे, बाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब जो सेक्शन था उस सेक्शन को हम जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हो सकते हैं उसमें उसको हम तोड़ लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। देखिएगा, अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। सिमिलर अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो एक रेक्टेंगल ये बन जाता है और एक रेक्टेंगल ये बन जाता है। तो देखिएगा, जेड सेक्शन में भी तीन रेक्टेंगल बनेंगे। और अब जो तीन रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं, ये देखिएगा, अलग अलग मैं इनको दिखा देता हूं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ये होगा, इसकी डायमेंशन 20 and 100। सिमिलर एक रेक्टेंगल ये आ जाएगा, इसकी डायमेंशन 20, चलो बाहर दिखा देता हूं, 20 and अब ये कितनी रह जाएगी, देखिएगा कितनी रह गई, ये कितना था 20, 80 में से 20 कम हो गया तो कितना रह गया 60 mm, ये कितनी रह गई 60 mm। सिमिलर एक रेक्टेंगल हमारे पास होगा, थर्ड रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशन देखिएगा 20 and 100। अब करना क्या है, जो तीन रेक्टेंगल्स हमारे पास है इन तीनों रेक्टेंगल्स के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। मान लिया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल का कहां होता है, उसके मिड में होता है। तो ये देखिएगा, ये डायमेंशन कितनी रह जाएगी 50, ये 50, उसके बाद ये देखिएगा कितनी रह जाएगी 10, ये भी 10। उसके बाद बात करते हैं दूसरे रेक्टेंगल की, दूसरे रेक्टेंगल का सीजी कहां होगा, वो भी उसके मिड में होगा। मान लें ये इसका रेक्टेंगल 2 का सीजी G2, इसकी डायमेंशन देखिएगा ये कितना रह जाएगा, पूरा कितना था 60 30। सिमिलर दिस वन आल्सो 30, उसके बाद ये 10, ये भी 10। उसके बाद देखिएगा तीसरा रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल की बात करें, थर्ड रेक्टेंगल का सीजी भी उसके मिड में होगा। मान लीजिए ये थर्ड रेक्टेंगल का सीजी G3, इसकी डायमेंशनिंग ये 50, ये भी 50। सिमिलर ये 10, ये भी 10। तो
तो एक जेड सेक्शन था जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की, उसके बाद जो तीनों रेक्टेंगल्स बने थे उसमें, जिन तीन रेक्टेंगल से मिलकर मतलब जेड सेक्शन बनता है, उन तीनों रेक्टेंगल्स के हमने अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किए, मान लिया जी1 जी2 और जी3 है। उसके बाद अब हमें क्या काम करना है, ये जो जी1 जी2 जी3 है इनके क्वाड्रेंट्स मान लिया हमने x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, g1 के क्वाड्रेंट, g2 के क्वाड्रेंट एंड g3 के क्वाड्रेंट्स। अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जो g1 g2 के क्वाड्रेंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन तीनों इन सब की वैल्यूज हमें इस फिगर की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले x1 x2 x3 सिमिलर इधर y1 y2 एंड y3। तो देखिएगा x1 क्या होगा, पुरानी वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं लेकिन यहां भी मैं एक बार फिर से बताता हूं कि x1 क्या होगा, बाई एक्सिस से g1 की डिस्टेंस। तो बाई एक्सिस ये है, यहां से g1 की डिस्टेंस यहां तक की डिस्टेंस मान लिया, ये कितनी है x1। बाई एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी g1 की डिस्टेंस क्या कितनी होगी, x1 होगी, और फिगर के अकॉर्डिंग x1 की वैल्यू कितनी है 50 mm। सिमिलर x2 की बात करें तो x2 क्या है, बाई एक्सिस से g2 की दूरी, बाई एक्सिस ये g2 ये, तो बाई एक्सिस से g2 की दूरी x2। फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा x2 का मान कितना होगा भाई, कितना होगा x2 का मान, यहां से यहां तक कितना है देखिएगा, ये कितना है पूरा, कितना था 100 में से ये कितना कम हो गया 20, तो ये कितना बचा 80, और उसके बाद ये आगे कितनी बची 10, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 + 10 = 90 mm। क्लियर, x2 की वैल्यू क्लियर हो गई कि बाई एक्सिस से g2 की वैल्यू x2 के बराबर होगी, और x2 कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, ये है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड बताया हमें 80 और ये बताया 10, तो 80 + 10 = 90 mm। सिमिलर x3 की बात करें तो x3 क्या होगा, बाई एक्सिस से g3 की दूरी, तो बाई एक्सिस ये g3 ये, बाई एक्सिस से g3 की दूरी कितने होगी x3 होगी, x3 की वैल्यू यहां से देखिएगा कितनी होगी भाई, यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी है 80 और आगे ये वैल्यू कितनी है 50, तो 80 + 50 कितनी हो गई 130 mm। क्लियर, सिमिलर अब हमें क्या निकालना है, y1 y2 y3 निकालना है, तो y1 y2 y3 के लिए x एक्सिस से मेजर करेंगे, x एक्सिस से g1 की दूरी, देखिएगा g1 ये है और x एक्सिस ये है, तो g1 से x एक्सिस की दूरी कितनी होगी y1, तो कितनी होगी इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये हमें पता है, आगे उसमें कितना ऐड कर लेंगे 10, या टोटल डिस्टेंस में से कितना कम कर देंगे 10, तो देखिएगा 20 + 60 + 10, तो 20 + 60 + 10 कितना हो गया 90 mm। सिमिलर बाई टू क्या होगा, x एक्सिस से g2 की दूरी, g2 ये है, x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस से g2 की दूरी कितनी होगी बाई टू के बराबर होगी, तो बाई टू देखिएगा इस फिगर में बाई टू की वैल्यू कितनी है, ये 20 + 30, तो 20 + 30 = 50 mm। सिमिलर बाई थ्री क्या होगा, x एक्सिस से g3 की डिस्टेंस, तो x एक्सिस ये g3 ये कितना हो जाएगा बाई थ्री, तो बाई थ्री फिगर के अकॉर्डिंग कितना होगा देखिएगा 10 mm, तो बाई थ्री 10 mm। तो जो रेक्टेंगल्स हमने जेड सेक्शन में बनाए थे, तीन रेक्टेंगल्स, तीनों रेक्टेंगल्स का हमने अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया, उनके क्वाड्रेंट्स की जो वैल्यूज थी वो हमने फिगर की हेल्प से फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें तो
जो पूरा सेक्शन है उस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो मान लिया जो जेड सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी है और जिसके क्वाड्रेंट्स एक्स बार और वाई बार। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स बार निकालना है और वाई बार निकालना है। भाई अगर हम एक्स बार वाई बार निकालते हैं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस जेड सेक्शन का उसकी पोजिशन हम बता सकते हैं। तो अब देखिएगा एक्स बार, एक्स बार निकालने से पहले अभी हमें एक काम और करना पड़ेगा। हमें क्या है, ये जो सेक्शंस थे और सेक्शन में तीन रेक्टेंगल बने, इन तीनों रेक्टेंगल्स के हमें एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके एरिया फाइंड आउट करते हैं। रेक्टेंगल वन, रेक्टेंगल वन ये है, टू ये है और थ्री ये है। तो रेक्टेंगल वन का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई देखिएगा कितनी है रेक्टेंगल वन की 100 और चौड़ाई कितनी है देखिएगा 20, तो कितना हो जाएगा 2000 mm². सिमिलर रेक्टेंगल टू का एरिया ए टू कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 20 × 60 = 1200 mm². सिमिलर रेक्टेंगल थ्री का एरिया ए थ्री इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई 100 × 20 ये भी 2000 mm². तो अब हमारे पास एक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार का देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, हम अपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने की सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, उसमें एक्स बार बताया गया था कि ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो यहां देखिएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो यहां से देखिएगा बोर्ड के ऊपर एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू, एक्स थ्री की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है, गिवन है, ए वन ए टू ए थ्री ये वैल्यूज भी हमारे पास है। तो अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करके एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा वैल्यूज पुट कीजिएगा, ए वन एक्स वन 2000 × x1 50 प्लस ए टू 1200 × x2 90 प्लस ए थ्री 2000 × x3 130 डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। अब इन वैल्यू, इस वैल्यू को हम सोल्व करके एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्स बार की वैल्यू यूनिट जो गिवन है mm उसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार हम एक्स बार का मान निकाल सकते हैं। सिमिलर और हमें क्या निकालना है, पाई बार का मान भी निकालना है। तो पाई बार के लिए देखिएगा फॉर्मूला, पाई बार के लिए देखिएगा कि पाई बार इज इक्वल टू ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बाई बार का मान निकाल सकते हैं। तो बाई बार का फॉर्मूला भी हमारे पास गिवन है, क्या है कि बाई बार इज इक्वल टू ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो यहां से देखिएगा बाई वन बाई टू बाई थ्री की वैल्यूज हमारे पास है, ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट बाई बार का मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा 2000 × 1 90 प्लस ए टू 1200 × 50 प्लस 2000 × 10 10 डिवाइड बाय 2000 प्लस 1200 प्लस 2000। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे और बाई बार का मान निकाल लेंगे। बाई बार का मान भी जो यूनिट हमारी थी क्वेश्चन की उनमें आ जाएगा। तो बाई बार का मान भी एमएम में हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार एक्स बार और बाई बार दोनों के मान हमारे पास होंगे। तो जिसकी जो क्या होगा, जो जेड सेक्शन था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस प्रकार जेड सेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनके हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू।